नमस्कार दोस्तों, फूड डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ अंडे से बने बहुत ही टेस्टी एक रेसिपी बनाना बताऊंगी। आशा करती हूँ आज की रेसिपी आप सभी को पसंद आएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं और आज के लाइक का गोल रखते हैं 500। आज के रेसिपी के लिए हमने लिया यहाँ पे 4 अंडे, 2 चम्मच सरसों और 2 चम्मच खसखस। खसखस और सरसों को हमें थोड़ा सा पानी डाल के पीस लेना है, तो इसे हम साइड में रख देंगे और चारों अंडे को हम तोड़ के बाउल में ले लेंगे। अंडे आप अपने ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं। चारों अंडे तोड़ लेने के बाद डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे हम हल्दी और थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर। अच्छे से हम अंडे को फेंट लेंगे। अंडे को हमने अच्छे से फेंट लिया है, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। हम एक पैन ले लेंगे, पैन में डालेंगे 2 चम्मच तेल। तेल को पहले अच्छे से गर्म कर लेंगे। एक मीडियम साइज के प्याज को हम ऐसे बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। तेल जैसे ही हमारा हल्का गर्म हो जाए डाल देंगे प्याज। बस 1 मिनट हम इसे हाई फ्लेम में फ्राई कर लेंगे। एक मीडियम साइज के प्याज को ऐसे टुकड़ा करने के बाद इसके कलिया जो है उसे अलग कर लिया है। एक मिनट बाद हम प्याज को निकाल लेंगे। प्याज का कलर चेंज नहीं हुआ है, बस हल्का सॉफ्ट हुआ है प्याज हमारा। अब हम इसी तेल में ऑमलेट को बनाएंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम करेंगे और ऑमलेट को एक तरफ 1-1.5 मिनट होने देंगे। तो पैन को कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम हम लो मीडियम रखेंगे। 1-1.5 मिनट बाद ऑमलेट को हम पलट देंगे। नीचे की ओर अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम पैन को कवर नहीं करेंगे, खोल के 1 मिनट ऑमलेट को दूसरी तरफ फ्राई होने देंगे। गैस का फ्लेम हम बिल्कुल अभी लो पे रखेंगे। नीचे से भी ऑमलेट हमारा अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और ऑमलेट को हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब हम ऑमलेट को काट लेंगे, तो पीसेस आप अपने पसंद के अनुसार यहाँ पे छोटे बड़े रख सकते हैं। तो पहले हम लंबाई में इस तरीके से काटेंगे। तो पहले मैंने लंबाई में इस तरीके से काट लिया है। अब हम इसे और छोटे पीस करेंगे। साइड वाले को 2 टुकड़ा और बीज वाले को हम 3 टुकड़ा करेंगे। तो इसी तरीके से पहले हम काट लेंगे। अंडे के पीस रेडी है हमारा। अब हम जो सरसों और खसखस को पीस के रखे थे डाल देंगे। तो एक इस तरीके से डब्बा ले लेंगे, जो भी आपके पास है आप ले सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, 1/2 कप से भी कम। डालेंगे हम 1/2 चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे हम हल्दी, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। यहाँ पे मैंने एक टमाटर को ऐसे बड़े टुकड़ों में काट लिया है, देखिए डाल देंगे।
अच्छे से सभी चीज़ों को पहले हम मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पे जो अंडे के ऑमलेट के पीसेस करके रखे थे वो डालेंगे। एक बार हम और अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। ये गर्मा गर्म चावल के साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। डालेंगे यहाँ पे 2 चम्मच सरसों का तेल। कच्चे सरसों का तेल डालना है हमें 2 चम्मच। 4-5 हरी मिर्च बीच में से चीरा लगा के डालेंगे और एक बार हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम डब्बे को बंद करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। सॉरी, मैंने जो प्याज को फ्राई करके रखे थे वो डालना भूल गई थी, तो प्याज को डाल देंगे हम। डब्बे को बंद करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। एक कढ़ाई में हमने पानी ले लेंगे। पानी हल्का हम पहले गरम कर लेंगे। जब पानी हमारा गरम हो जाए हम डब्बे को इसमें रखेंगे और पानी हमें उतना ही लेना है। 10 मिनट हमें ऑमलेट को स्टीम में पकाना है, तो पानी उस हिसाब से आप डालिएगा। मैंने करीब यहाँ पे 1/2 लीटर पानी लिया है। पैन को कवर कर देंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम करेंगे और 8 से 10 मिनट हम इसे मीडियम फ्लेम में स्टीम होने देंगे। तो पानी हम थोड़ा सा इसमें ज़्यादा डालेंगे जिससे पानी हमारा ख़त्म ना हो जाए। तो 10 मिनट बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। 10 मिनट हो गए, गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और डब्बे को हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हम निकाल के आपको दिखाते हैं। डब्बे को हमने निकाल लिया है, खोल लेंगे। देखिए, अब हम इसे एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। हमारा ऑमलेट भापा बनके तैयार है। इसे आप गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएंगे। तो इसे बनाइए, खाइए, फिर मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसे बनाइए, खाइए, फिर मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।